नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और स्वागत है आपका टीवीटी के इस एपिसोड में। आज हम बात किसी गाड़ी के बारे में नहीं करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत राइजिंग टॉपिक है, जिसके बारे में लोगों में बहुत जागरूकता अवेयरनेस फैल रहा है, जो है सेफ्टी। अब जब भी हम किसी कार, एसयूवी, किसी भी गाड़ी के सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, स्पेशली फोर व्हीलर, तो उसमें हमेशा दो तरह की सेफ्टीज आते हैं, पहला एक्टिव सेफ्टी और दूसरा पैसिव सेफ्टी। अब एक्टिव सेफ्टी का एग्जाम्पल क्या है? एक्टिव सेफ्टी का एग्जाम्पल होता है ABS, EBD. ABS stands for anti-lock braking system, EBD. It stands for equal brake distribution force, ESC which stands for electronic stability control, ECC which stands for adaptive cruise control, TPMS tire pressure monitoring system, फिर LDW lane departure warning system and etc. अब इसमें जो अभी सबसे recent, like सबसे latest और सबसे ज़्यादा fashion में आने वाला चीज़ है, जो कुछ लोग उसे gimmick भी कहते हैं, कुछ लोग नेसेसिटी भी कहते हैं, जो है HUD विच स्टैंड्स फॉर हेडसअप डिस्प्ले। ये तो भी कुछ बातें एक्टिव वार्निंग, एक्टिव सेफ्टी के बारे में। अब पैसिव सेफ्टी में क्या आता है? पैसिव सेफ्टी बहुत छोटा है, उसमें बहुत कम चीज़ आते हैं, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्रैश के बाद। पैसिव सेफ्टी में आता है सीट बेल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, एयर बैग, उसके बाद आता है आपका ऑक्यूपेंट डिपेंडेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेल्ट क्वालिटी। अब एक्टिव सेफ्टी और पैसिव सेफ्टी होता क्या है, हमने एग्जांपल तो समझ लिया, मगर ये होता क्या चीज़ है? सपोज करो ये आपकी कार है एंड ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे आपकी क्रैश कार क्रैश होने वाली है, भगवान ना करे कि अगर आपका कभी कार क्रैश होता है तो उस केस में कैसे ही काम करता है। सपोज कर लो ये कोई भी ट्री है, कार है, एनीथिंग एल्स, पेडेस्ट्रियन, एनीथिंग, ये आपका व्हीकल है। जब आप इसमें जाते हो, इस पॉइंट तक ये चीज़ टच नहीं हो रहा है, जैसे ये टच हो गया, टच होने के बाद जितना सारा कुछ कार के अंदर ऑक्यूपेंट्स को सेफ रखता है वो होता है पैसिव सेफ्टी। मगर कोई भी चीज़ जो क्रैश होने के इवन 0.1 मिलीसेकंड के पहले तक काम करती है वो होती है एक्टिव सेफ्टी। अब जो एयरबैग है उसके बारे में लोगों को बहुत सारे मिथ्स है कि लाइक एयरबैग से जान जाती है, क्या एयरबैग से जान जाती है? बिल्कुल जान जाती है। अब एयरबैग, जब भी आपने एयरबैग देखा होगा किसी भी कार में, 99% कार में लिखा होता है SRS एयरबैग। SRS क्या होता है? SRS होता है सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम। अब लाइक इसका सीधा सा उद्देश्य या मतलब ये है कि जो एयरबैग है कार का, वो सिर्फ आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहते हो। एयरबैग जो होता है वो हमेशा सीट बेल्ट के साथ मिलकर काम करता है, बिकॉज उसके पीछे बहुत बेसिक सा रीज़न है, मगर लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। लोग सोचते हैं कि हमारे कार में एयरबैग है, बिल्कुल सेफ रहेंगे। एयरबैग बस एक बलून है जो इन्फ्लेट होता है, वो एक क्वेश्चन आगे नहीं बन जाता परमानेंटली आपके कार का। सो लेट अस अंडरस्टैंड एयरबैग काम कैसे करता है। एयरबैग जो होता है, ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड एयरबैग कितने टाइप्स का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है और जो सबसे ज़्यादा चलन में है, जिसे 2019 में गवर्नमेंट ने ये लाइक सारे कार ब्रांड्स को बोल दिया था कि आपका जो बेस मॉडल है, जो सबसे सस्ती कार है, उसमें भी एयरबैग आना चाहिए। अब वो आप सिंगल एयरबैग तो वो चलेगा, अब दोनों साइड एयरबैग नहीं तो दैट थिंग इज़ अप टू यू। लेकिन मगर 2021 में अभी जो आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अब आपको दोनों साइड, यानी कि ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को आपको एयरबैग देना कंपल्शन हो गया है। अब एयरबैग्स होते क्या है, ये जो दोनों साइड एयरबैग आ गए वो होते हैं फ्रंट एयरबैग। साइड आपने देखा होगा फोर्ड की कुछ गाड़ियों में, हिंडई की गाड़ियों में, हिंडई की जो i20 जिसका मैंने रिव्यू किया है, उसमें उसके जो उसके अपर जो वेरियंट है उसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। साइड के एयरबैग्स जो होते हैं जिन्हें आप SABS भी कहते हैं, साइड एयरबैग, दोनों साइड होते हैं। उसके बाद आता है नी एयरबैग जो आपके ड्राइवर के घुटनों के पास लगे होते हैं। उसके बाद आता है इन्फ्लेटेबल सीट बेल्ट्स। ये चीज़ काफ़ी हाई एंड कार्स में आता है, ये एक्चुअली फोर्ड का टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ फोर्ड के द्वारा मार्केट में लाया गया। होता है कि आपके सीट बेल्ट में एक जिप होता है, जैसे ही क्रैश होता है उस जिप ऐसे इन्फ्लेट हो जाता है और यहाँ पे एक पैडिंग बन जाता है। उसका एडवांटेज क्या होता है, जो आपका सीट बेल्ट जो ऐसे आप जर्क से आगे जाओगे वो एक पॉइंट पे ऐसे नहीं आते, वो थोड़ा स्प्रेड हो जाता है इन्फ्लेट होने के कारण, जिसके चलते सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बॉडी जिस फोर्स से आगे जाती है। अब अगर बात करें एयरबैग का हिस्ट्री क्या है, तो 18 अगस्त 1953 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसे पेटेंट कराया गया, जिसे जॉन डब्ल्यू हेक्टर को ये लाइक एयरबैग्स का पेटेंट मिला था, उसका जो प्रॉपर सिस्टम है। और उसी के लाइक 2-3 महीने बाद एक जर्मन थे जिनका नाम था वाल्टर लिंडरे, उन्होंने 12 नवंबर 1953 को इसे पेटेंट कराया, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको ये पेटेंट नहीं मिला। मगर हम लोगों को इसका क्या एडवांटेज मिला, हमें ये एडवांटेज मिला वाल्टर लिंडरे के जो उनका जो सेटअप था उसमें जो एयरबैग के सेंसर्स थे वो बम्पर के पास लगे थे, जो आज भी परिचालन वो चला आ रहा है। बम्पर वो पहला पार्ट होता है जो किसी भी क्रैश के दौरान सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आते हैं ऑब्जेक्ट के।
अब एयरबैग जो है उसे सप्लीमेंट रिस्ट्रेंट सिस्टम क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, एयरबैग का काम क्या है? आपने सीट बेल्ट लगाया, अगर सीट बेल्ट जो आपके बॉडी को रोक लेता है, आपके फेस को नहीं रोकता, एयरबैग नहीं होगा, आपका फेस जाके लैंड कर, हमारा फेस बहुत हैवी होता है, हमारा बेसिकली ये हेड वाला नीचे, अगर आप कोई चीज़ से इसे स्टॉप नहीं करोगे तो आगे जाके स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड पे हिट करता है। अब उस हिट जो होता है उससे, ताकि कोई चोट नहीं आए फेस वाले रीजन पे, उसके लिए एयरबैग निकाला गया। अब एयरबैग जैसे मैंने पहले भी बताया कि एयरबैग तब काम नहीं करते, ये आपका सपोज ये आपका फेस एंड ये एयरबैग है, क्रैश हुआ, आपका फेस आ गया है, एयरबैग इन्फ्लेट हुआ एंड ये दोनों चीज़ आपके ऐसे क्लैश नहीं करता है। ये कैसे काम करता है? आपका फेस ऐसे आ रहा है, एयरबैग खुल गया मैक्स पोजिशन पे, और जब ये कम होने वाला होता है, जब ये डिफ्लेट हो रहा होता है, तब आपका फेस जाके इसमें हिट करता है, सो दैट एक काफ़ी हद तक एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है। अब एयरबैग से काफ़ी लोगों की जान भी जा चुकी है, लाइक बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए जिसमें एयरबैग का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब एयरबैग हर सिचुएशन में, अगर आप सोचोगे कि हाँ ये सेंसर से अगर काम करता है तो क्या ये अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग भी हो तब भी ये खुल जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये एटलीस्ट जो स्पीड होनी होती है वो होती है 30-40 किलोमीटर पर आ, अगर उससे ज़्यादा आपकी गाड़ी की स्पीड रहेगी तभी एयरबैग खुलेगा। ये चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है, वरना बहुत केसेस में क्या होता है, उनकी गाड़ी समझ लो 20-30 की स्पीड पे जाके कहीं पर क्रैश हो गई और उनको लाइक ऐसे तो स्पीड पे उतना मेजर एक्सीडेंट या उतना मेजर चोट नहीं आता, मगर किसी केस में अगर किसी को आ गया तो सीधे जाके कंपनी को ब्लेम कर देते हैं कि भैया आपने कैसा एयरबैग दिया, एयरबैग तो खुला ही नहीं। ये एक्चुअली वो सेंसर उतने फोर्स को सेंस करेगा तब वो जाकर एयरबैग खुलता है। अब उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक ड्यूअल स्टेज एयरबैग वाला फीचर है। ये कुछ वास्ट टॉपिक है जिसपे एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। अब एयरबैग जो है वो काम कैसे करता है, सपोज करो आपके बम्पर, अगर फ्रंट एयरबैग का सेंसर फ्रंट बम्पर के पास होता है और साइड एयरबैग्स का सेंसर जो होता है वो ड्राइवर साइड या को ड्राइवर साइड के जो डोर होते हैं ना उसके नीचे वहाँ पे जहाँ पे बीम होता है वहाँ लगा रहता है। अब सबसे पहले वो सेंसर एक्सीडेंट क्रैश को या एक्सीडेंट को सेंस करता है, फिर वो इग्नाइटर से इग्नाइट करता है, जिसके चलते सोडियम एजाइड कंपाउंड मेटल जो भी होता है वो बर्न हो जाता है, और जब वो बर्न होता है डिकम्पोज हो जाता है सोडियम मेटल में और नाइट्रोजन में। तो एयरबैग के खुलने का स्पीड होता है दैट्स 200 माइल्स पर आवर, जिसे अगर किलोमीटर पर आवर जो इंडिया में चलता है उसमें कन्वर्ट किया गया 321 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयरबैग इन्फ्लेट होता है। जब भी अगर एयरबैग से रिलेटेड कुछ क्रैश आता है तो ये अभी तक का सबसे बड़ा केस रहा है, आज से एग्जैक्टली 1100 दिन पहले, दैट्स 1100 डेज पहले, 11 मई 2018 को एक ओनर थे जिनका XUV500W8 डीजल वेरियंट था, वो गाड़ी क्रैश हो गया जिसमें उनके बेटे को काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, जो ड्राइवर था जो चला रहा था उस वक्त गाड़ी को। अब उनका कहना था कि गाड़ी तो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई, इनफैक्ट गाड़ी वो गाड़ी रिपेयर भी नहीं हो पाई, इतनी बुरी तरीके से वो गाड़ी डैमेज हुई थी। उन्होंने महिंद्रा के द्वारा बात किया कि जब इतना भयंकर क्रैश हुआ आपका गाड़ी का एयरबैग्स क्यों नहीं खुला? तो महिंद्रा को उन्हें क्या रिस्पॉन्स आया, महिंद्रा ने कहा कि आपकी गाड़ी में ECU होता है, स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करो या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट करो, वो क्या करता है, अगर आपका कभी भी क्रैश होता है वो क्रैश का सारा डेटा खुद में रिकॉर्ड कर देता है। ये फीचर कुछ गाड़ियों में आता है। अब तो उस वक्त क्या हुआ था, उनकी जो गाड़ी थी वो 2015 की थी, लेकिन वो चीज़ उसमें था जिसमें वो सारा क्रैश का डेटा स्टोर हो जाता, मगर महिंद्रा ने जब चेक किया उसे तो महिंद्रा ने बताया कि इसमें कोई डेटा इसलिए आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जब गाड़ी क्रैश हुई तो एयरबैग्स नहीं खुलेगा। माइंड यू, जब गाड़ी का एयरबैग खुलेगा, किसी भी कार का जब एयरबैग खुलेगा तभी वो जाके डेटा को स्टोर करता है। तो लाइक महिंद्रा का लेटर ऑन उन्हें रिस्पॉन्स आया कि ये जो गाड़ी था, जो आपकी कार थी, उसका जो पहला इम्पैक्ट हुआ था वो साइड या फ्रंट रियर से नहीं हुआ था, फ्रंट रियर साइड से होता तब वो जाकर एयरबैग खुलता। गाड़ी का जो क्रैश हुआ है, जो पहला क्रैश था, वो गाड़ी के नीचे के तरफ से हुआ था, जिसके चलते कुछ भी काम नहीं किया, फुल पैसिव सेफ्टी काम नहीं किया, क्योंकि जब वो पहला क्रैश गाड़ी में, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जब वो भी पहला क्रैश होता है अगर उसके बाद एयरबैग नहीं खुला तो उसके बाद अगर आप कितना भी कुछ कर लो एयरबैग नहीं खुलने वाला है, क्योंकि जो गाड़ी का पहला क्रैश होता है उसमें सेंसर तो सेंस नहीं कर पाता है कि सेंसर सेंस नहीं कर पाता है कि एयरबैग खोलना है कि नहीं, मगर वो जिस पॉइंट से क्रैश हुआ ना, जिससे गाड़ी के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को मैसेज चल जाता है कि हाँ भैया अब क्रैश हो चुका है, तो आप हद में लगकर काम करो ताकि गाड़ी में आग ना लग जाए। ये चीज़ हुआ था उस एक्सीडेंट में। लाइक लेटर ऑन कुछ केसेस के द्वारा महिंद्रा एंड उनके बीच सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, मगर महिंद्रा का एक और रिस्पॉन्स आया जब XUV500W जो उनका पहला जनरेशन था वो इंडियन में मार्केट में आई थी 2011 में, एंड महिंद्रा ने कहा कि हमारी गाड़ी को फ्यूचरिस्टिक सेफ्टी को इतने ध्यान में रख के बनाया गया कि जब 2011 में उसके बेस वेरिएंट से ABS आता था, जिसे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने कुछ फीचर्स जैसे ABS, ड्राइवर एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम, रियर
रियर सेंसर जिससे 2019 में कंपल्सन किया सारी गाड़ियों के लिए। और महिंद्रा ने ये भी कहा कि हमारा जो ESP है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, वो हम लोगों ने 2011 से ही अपनी गाड़ी के टॉप एंड वेरियंट्स में दे दिया था। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हम सेफ्टी के प्रति या सेफ टूवर्ड सेफ्टी हम जागरूक नहीं है, वी आर नॉट अवेयर। ये महिंद्रा का कैंप। और महिंद्रा ने ये भी कहा कि उस डेट तक 2,19,000 गाड़ियाँ बिक चुकी थी, जिसमें से ऑलरेडी अराउंड 7,000 गाड़ियाँ, ये महिंद्रा के द्वारा दिया गया फिगर से 7,000 गाड़ियों का एयरबैग रिप्लेस कर दिया गया था, जिसका सीधा सा मतलब है कि गाड़ी के एयरबैग में प्रॉब्लम नहीं है, वो गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स ने उसे कंट्रोल कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ने एयरबैग को खुलने नहीं दिया। ये महिंद्रा का कहना था। तो ये थी कुछ बातें एयरबैग्स के बारे में जो लोगों को समझना बहुत जरूरी था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित रहें, ड्राइव सेफ, बी सेफ।